हेलो फ्रेंड्स, कमल किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी आलू कतली की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके लिए हमने इस तरह से आलूओं को काट कर धो लिया है और एक बड़ा टमाटर लिया है, हरी मिर्च और हरी धनिया को लिया है, इस तरह से धोकर सब काट लिया है। और पैन हमने गरम कर लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और हमारा ये सरसों का तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा चटकने लगेगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 प्याज हमने इसको धोकर काट लिया है। अब इसे हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, सिर्फ हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्ची काट कर डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए गुलाबी हो गया, हल्का गुलाबी प्याज। अब इसमें हम कटे हुए आलूओं को डाल देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। दो से तीन मिनट ऐसे ही हम इसको भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे इसमें। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अमचूर 1/4 चम्मच, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हमारी सब्ज़ी का। अब इन्हें अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, झटपट से ये सब्ज़ी हमारी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रहती है। तो ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। और इन्हें अच्छे से चलाएंगे हम। अच्छे से मिक्स करके हम एक ढक्कन से इसे बंद कर देंगे। तो इसे हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो ये अच्छे से देखिए हो गया है, हल्का सा आलू भी गल गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे कटे हुए। देखिए आलू गल गया है। अब इसे अच्छे से हल्का सा मिक्स कर देंगे, आलू टूटे नहीं। और हम ढक्कन से बंद कर देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। पहले टमाटर इसलिए नहीं डालते फ्रेंड्स कि आलू हमारा कच्चा रह सकता है,
हल्का सा कच्चा रहता है, और टमाटर बाद में हम डालते हैं ना, हल्का सा आलू गल जाए तब टमाटर डालेंगे ना, तो आलू हमारे अच्छे से गल जाते हैं। तो इस तरह से धीरे से हम इसको मिक्स कर देंगे, चला देंगे, ताकि हमारे आलू टूटे नहीं और टमाटर अच्छे से मिल जाए। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और थोड़ी देर हम 5 मिनट तक और इसे हम स्लो आंच पे ढक्कन से बंद करके सीजने के लिए रख दिए, और इसमें हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो थोड़ी देर हम ढक्कन से इसको बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए एकदम मीडियम आंच पे। तो फ्रेंड्स ये 5 मिनट हो गया है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म हमारी आलू की कतली की सब्जियाँ बन गई हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटी सी। इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है सुबह के नाश्ते में या शाम को। अब इसमें है हरी धनिया से ऊपर से गार्निश कर देंगे। और कुछ हरी मिर्ची को इस तरह से हमने बीच से काट के चीर काट दिया है लंबाई में, और इन्हें भी ऊपर से रख देंगे। तो हमारी चटपटी सी स्पाइसी मज़ेदार गर्मा गर्म आलू की कतलियों की सब्ज़ी बन के रेडी है फ्रेंड्स। इसे गर्मा गर्म पराठे या पूड़ी से खाइए, बहुत टेस्टी मज़ेदार लगेगी। तो फ्रेंड्स हमारी ये सब्ज़ी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं फ्रेंड्स। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। तो कल फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।